नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10th का जो ज्योमेट्री पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ए है और बी है। ए में हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और 2 हमें सॉल्व करना है। तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ, 2 का मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे जो भी वहाँ पे ब्रैकेट वगैरह है वो फिल करके बता दूंगा, और क्वेश्चन नंबर 2B का आपको पूरा सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसको बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ए हमारा दिया है, कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एनी 2। यहाँ पे टोटल 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें केवल एग्जाम में 2 ही करना था और तीनों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। फर्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 से है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन अबो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेक पी एस इज द टेंजेंट सेगमेंट एंड एस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लाइन पी आर इज द सिकेंड। लाइन पी क्या है, जो पी आर दिख रही है हमारी क्या है, सिकेंड है। अब यहाँ पे इफ पी क्यू इज इक्वल टू 3.6 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 6.4 देन फाइंड पी एस, और उसका एक्टिविटी हमें फिल करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में डायरेक्टली आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या किया, हमने पी एस स्क्वायर लिया, टेंजेंट का स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों ने गलतियाँ कर दिया, यहाँ पे पी क्यू इंटू हमें पी आर लेना है। अब देखिए यहाँ पे रीज़न लिखा उन्होंने, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, पी क्यू की जगह पी क्यू रखेंगे और जहाँ पी आर है, पी आर देखिए इतना बड़ा है, उसको हम क्या करें, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.6, और क्यू आर कितना है, 6.4, और पी क्यू कितना है, 3.6 यहाँ पे रख दिया हमने, और 3.6 प्लस 6.4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10। 10 का इंटू अगर 3.6 में करते हैं तो हमारा आ जाएगा 36। अगर यहाँ पे पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आया तो पी एस कितना हो जाएगा, 6, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर दिया है। सेकेंड एक्टिविटी देखिए, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। एक्टिविटी हमारी चैप्टर नंबर 6 के बहुत ही आसान है। देखिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 की जगह 1 रखे, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे रखा है 25/7, और ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 7 का स्क्वायर 49। हमें यहाँ पे टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 को हम उस साइड सेंड करते हैं, 1 का यहाँ प्लस उस साइड गया तो माइनस। अब 625 और 1 का 49 में इंटू करेंगे तो 625 माइनस 49 अपॉन 49। 625 में से 49 माइनस करेंगे आएगा 576, 576 अपॉन 49। यह 10 का स्क्वायर है, लेकिन हमें 10 की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो 10 थीटा इज इक्वल हो जाएगा 24/7। तो यहाँ पे भी एक्टिविटी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इन द फिगर गिवन अबव ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। बहुत ही आसान था यह तो 6th-7th के बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए टाइप्स ऑफ आर्क, यहाँ पे आर्क का टाइप दिया है, नेम ऑफ आर्क यहाँ पे नाम लिखना है, मेजर ऑफ आर्क पहले हमें क्या है, माइनर आर्क बताना, माइनर का जो छोटा वाला आर्क है। तो माइनर आर्क कौन सा है, देखिए ए एक्स बी, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क का नाम, आर्क ए एक्स बी, और मेजर आर्क कौन सा है, ए वाई बी, जो बड़ा वाला आर्क हमारा है ए वाई बी है। नेक्स्ट अभी उसका मेजर लिखना है, जो सेंट्रल एंगल की वैल्यू होती है वह जो हमारा माइनर एंगल होता है उसके इक्वल होती है। तो माइनर एंगल की इक्वल कितनी हो, मतलब ए एक्स बी का आर कितना हो गया, मेजर कितना हो गया, 100 डिग्री। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग कितना रहेगा, 360 में से माइनस कर देंगे 100, तो आएगा 260। तो मेजर ऑफ मेजर आर्क हो जाएगा 260 डिग्री। यहाँ पे ए भी एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4। यहाँ पे टोटल हमें 5 क्वेश्चन दिए गए जिसमें हमें 4 क्वेश्चन करने थे, और चारों जो पांचों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 1 से है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एन एम पैरेलल टू आर क्यू। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल है तो वहाँ पे हम जो अपना बीपीटी थ्योरम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वैल्यू आप पहले पुट कर दीजिएगा, वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता चला है पीएन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल पीक्यूआर सेग एनएम पैरेलल टू सेग आरक्यू, सो देयर बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो हमारा हो जाएगा पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अब क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एन इंटू 10 हो जाएगा एंड 15 इंटू 8 हो जाएगा। 15 इंटू 8 करते हैं तो 120, 120 को 10 से डिवाइड करते हैं तो पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। आप इसको ज़रूर सॉल्व करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है चैप्टर नंबर सेकंड से। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये ज्योमेट्रिक मीन से हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ दिया है ट्रेंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90, मतलब एंगल एन दिया है 90 डिग्री। सेग एन क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सेग एम पी। इफ एम क्यू इज इक्वल टू 9, क्यू पी इज इक्वल टू 4, देन एन क्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रेंगल एम एन पी, एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एन क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सेग एम पी। सो देयर फॉर बाई ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है, जो हमारा हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर है यह एन क्यू है, उसका स्क्वायर करेंगे और जो रिमेनिंग साइड जैसी हो गई थी एम क्यू एंड क्यू पी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे इस तरह फार्मूला बन जाएगा एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। अब एम क्यू और क्यू पी की वैल्यू दी गई है, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं 9 × 4 कितना हो जाएगा 36। 36 यहाँ पे एन क्यू का स्क्वायर आया, तो ये बाई टेकिंग स्क्वायर रूट एन क्यू कितना हो जाएगा 6। तो एन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। थर्ड में देखिए ये चैप्टर नंबर थर्ड से ही है। यहाँ पे एक इन द फिगर गिवेन अबो एम इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेग के एल इज़ द टेंजेंट सेगमेंट, एल इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इफ एम के इज इक्वल टू 12, के एल इज 6√3, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। यह देखिए हमारी रेडियस क्या कौन सी है, एल के है और ये एम एल क्या है, रेडियस हमारी एम एल है और एल के हमारी टेंजेंट है। जो रेडियस और टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, मतलब ये जो ट्रायंगल एम एल के है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड पता हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे तो हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, एम के, एम के का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर प्लस एल एम का स्क्वायर। एम के की वैल्यू कितनी रखेंगे, 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और एल के का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर 36 हुआ और √3 का स्क्वायर 3, 36 × 3 108। अब 144 में से 108 माइनस करेंगे तो एम एल का स्क्वायर आ जाएगा 36 बाई टेकिंग स्क्वायर रूट। एम एल कितना हो जाएगा, 6। एम एल भी हमारा 6 आया, क्वेश्चन नंबर पीछे भी हमारा 6 आया था, यहाँ भी 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 and 0, 16। यहाँ पे देखिए दो पॉइंट है जिनमें हमें क्या करना है, मिड पॉइंट करना। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला था x इज इक्वल टू x1 + x2/2, जिसमें हम x1 की वैल्यू 20 रखेंगे और x2 की वैल्यू 0 रखेंगे। तो दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जो मिड पॉइंट वैल्यू रहेगी वह 11 आ जाएगी। इसी तरह y फाइंड करने के लिए फार्मूला है y इज इक्वल टू y1 + y2/2। y1 हमारा कितना यहाँ पे है, 20 और y2 कितना है, 16। 20 + 16 जोड़ देंगे 36। 36 को 2 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 18। तो हमारी यहाँ पे जो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट थे वहाँ आ गए 11 and 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, लास्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च। कोई पर्सन है किसी चर्च से कितना दूरी पर खड़ा है, 80 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एंड लुकिंग एट द इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। यहाँ पे हमें चर्च की हाइट फाइंड करनी है तो यह फिगर बना लीजिएगा। यह हमारा एक्सरसाइज 6.1 की तरह पहले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे देखिए वो स्टैंड कितना दूरी पे खड़ा है चर्च से, वो 80 पे है, मतलब उसकी डिस्टेंस पता है और हमें सामने वाली साइड फाइंड करना है। तो अपोजिट अपॉन एडजस्ट, अपोजिट और टैन के लिए हम कौन सी रेशियो लेते हैं, टैन की रेशियो ले लेंगे। अपोजिट में हमारा चर्च की हाइट आ जाएगी और एडजेसेंट में हमारा जो डिस्टेंस है उस पर्सन से स्टैंडिंग है वह आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टैन की रेशियो से चर्च की हाइट फाइंड करेंगे, चर्च की हाइट आ जाएगी 80 मीटर। सो लास्ट लाइन लिख देंगे, सो देयर फॉर द हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए और बी पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वही लेने वाले हैं।